बार वैक्सीनेशन के लिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए। टोल कि आई कांट गेट प्रेग्नेंट इन दिस पीरियड। This is just for my love. today I just came. लोगों ने कौन सा कोविड कौन सा वैक्सीनेशन लिया है। So this is what I want to say, you know, कभी कभी हमें फील होता है कि हम बहुत लेजी हो गए, especially जब afternoon को nap लेके उठते हैं तो हमें फील होता है that oh god so lazy और कितना सारा काम रह गया है। But सुबह 5:30 बजे, एज यू गाइज नो, एक्चुअली यू डोंट नो, क्योंकि मेरे 30 डेज जो है वो खत्म हो गए हैं और आई फाइनली गेट टू वेक अ लिटिल लेट, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें लाइंड अप है पूरे दिन में। तो आज मैं सुबह उठ के सबसे पहले लॉन्ड्री पकड़ रही हूँ, बिकॉज आई फील कि एक काम तो एटलीस्ट सॉर्ट हो जाता है मेरा, और बस अब फिर सबसे पहले मैं ब्रश कर लूँगी। एंड यू गाइज नो इट नाउ, अब तो आप लोग मुझे जान गए हो, आई डो नॉट टेक बाथ इमीडिएटली। सबसे पहले मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, एंड यस यू आर गेसिंग इट करेक्ट, मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ पोहा। सो पोहा इज माई ऑन द गो रेसिपी, जब कुछ नहीं मुझे सोचता है तो मैं पोहा बना लेती हूँ। और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे घर में पोहे का बहुत बड़ा डब्बा भर के हमेशा रहता है, सो आई एम नेवर आउट ऑफ स्टॉक विद पोहा। सो पोहा मैं बहुत डिफरेंट वेरिएशंस में बनाती हूँ। आज मैं सिर्फ टमाटर वाले बना रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टू मच टाइम ऑन मेकिंग वेजिटेबल पोहा। और ये जो आप देख रहे हो कड़ी पत्ता, ये मेरी मॉम की ट्रिक है, शी सेज कि कड़ी पत्ता खा जाना चाहिए, तो इसीलिए चॉप करके डाल रही हूँ मैं, ताकि बिल्कुल ही हम बाहर उसको ना फेंक सके। सो गाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू माई रेसिपी ऑफ पोहा, बिकॉज आई थिंक इट्स सो यू नो कॉमन कि मैं पोहा की रेसिपी बोलूंगी तो इट वुड बी एन इंसल्ट। सो जस्ट एंजॉय वॉचिंग इट। Oh my God, आज की मॉर्निंग मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी सुपर डुपर बिजी है एंड आई एम लाइक बिल्कुल सांस नहीं है मेरे पास आज। आज अगर स्कूल अगर इनकी स्टार्ट हो गई है तो आई गॉट अ ग्लिम्स कि कैसे करने वाली हूँ मैं, क्योंकि हम लोग को निकलना है बहुत जल्दी। और उसके पहले मैंने उठ के खुद का नहाना कर दिया, इन दोनों को नहला के रेडी कर दिया, नाश्ता अब ये लोग खुद से खाएंगे और साथ में यश भी रहेगा, सो ही विल टेक केयर ऑफ देम। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, बिकॉज यू गाइज मस्ट हैव इमेजिन कि बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ। सो मैं फिलहाल हो रही हूँ रेडी, और तब तक ये लोग कर लेंगे नाश्ता। इफ आई गेट टाइम तो मैं यहाँ पे बैठ के इन लोगों के साथ नाश्ता करूँगी, और अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो आई पैक इट और मैं फिर कार में अपना नाश्ता। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद ऐसा मुझे लगता है कि मैं मेकअप थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ आजकल। तो मैंने अब कुछ प्रोडक्ट्स रिसेंट में खरीदे हैं, जैसे कि मैंने ये कंसीलर खरीदा है, एंड आई फाइंड कि ये जो कंसीलर है ये मेरे आईज को बहुत अच्छा कवरेज देता है, बिकॉज आई हैव ह्यूज डार्क सर्कल्स। और इसी तरह से मैंने ये फाउंडेशन खरीदा है, द रीजन फॉर परचेजिंग दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन इज कि आई डिडंट वॉन्ट कि दो दो प्रोडक्ट्स एक साथ मेरे फेस पे दिखे। सो ये जो फाउंडेशन है ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है मेरे फेस पे, एंड इट डजंट इवन गिव दैट केकी लुक, और बिल्कुल भी क्रीज लाइंस भी नहीं आती है। और फिर उसके ऊपर मैं लगाती हूँ ये कॉम्पैक्ट पाउडर, तो मेरे जो कंसीलर और फाउंडेशन है वो अच्छे से सेटल हो जाता है फेस पे, एंड इट गिव्स अ क्लीन लुक।
So yes, this is my makeup routine. Usually I put concealer, then foundation, then compact, and a little bit of blush. And then I top it up with my eyebrows. तो मैं आईब्रोज में मैंने ये पेंसिल खरीदी है जिससे नेचुरल हेयर हो वैसा लगे एंड देन आई जस्ट अप्लाई सम काजल एंड लाइनर लाइक दिस इज व्हाट वी यूजुअली डू. पहले एक्चुअली मैं कभी भी मेकअप नहीं करती थी, मैं सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाती थी, बट नाउ आई डू ऑल सच थिंग्स. सो लास्ट में लिपस्टिक एंड आई एम रेडी फॉर द डे. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल. आज हम लोग जा रहे हैं बाहर वैक्सीनेशन के लिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए. तो सुबह सुबह इट्स बीन अ वेरी क्रेजी हाउस. जल्दी उठ के फटाफट मैंने पहले अपनी चीजें कर ली और इन लोगों को खाना खिलाने का काम यश ने कर दिया. सो बिफोर 8 AM वी आर लिविंग द हाउस फॉर कोविड वैक्सीनेशन. सो गाइस विश अस लक. So, हम निकले हैं बाहर और आज का बाहर का सीन तो आपको दिखाना बनता ही है. ये सुबह सुबह यू नो इतना फॉग है, विंटर्स मॉर्निंग, ये यूजुअली जैसे इंडिया में होता है वैसा दिखता है. तो आजकल यहाँ का जो वेदर है यूएई का बहुत डिफरेंट है और सुबह सुबह इतनी फॉग है, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको पीछे जो है आपको पूरा फॉग दिख रहा है, लेकिन पीछे बहुत सारे टॉल बिल्डिंग्स है जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है. अब ये जो ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज के पीछे बहुत टॉल बिल्डिंग्स है बट कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे है डेंस फॉग. और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है reduce your speed, क्योंकि ऐसे fog में you know accidents होना बहुत बढ़ जाता है. So clarity बिल्कुल ही कम थी but yes we were taking care और आराम आराम से हम लोग चला रहे थे car. So ऐसा कोई problem नहीं आया but it was beautiful to see outside. मुझे fog बहुत पसंद है, देखने में बहुत सुंदर लगता है. ऐसे सुबह सुबह निकली थी विंटर्स की मॉर्निंग और मुझे फॉग देखने का मौका मिला, मुझे बहुत पसंद आया. ये जो आजकल के जो दिन जा रहे हैं सुबह सुबह इतना फॉग रहता है और बहुत सारे ऐसे फोटोज भी सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली बुर्ज खलीफा के साइड का यू नो इन बिटवीन द क्लाउड्स. और वैसे यहाँ के जो प्रिंस है वो भी बहुत सारे फोटोज शेयर करते हैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे. सो बहुत मजा आता है और मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया ऐसा मॉर्निंग यहाँ पे. सो खैर हम निकले थे यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए. यूएई में वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और हर कोई वैक्सीनेशन लेने के लिए जा रहा है, तो आज हम भी निकले हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए. और हमारा वैक्सीनेशन हो गया, यहाँ पे लगता है इंजेक्शन. सो क्योंकि वहाँ पे किड्स अलाउड नहीं थे, सो पहले यश वेंट इनसाइड एंड ही गॉट द वैक्सीनेशन डन एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ किड्स आउटसाइड एंड देन लेटर ऑन ही केम एंड आई वेंट इनसाइड टू गेट माय वैक्सीनेशन डन. सो यहाँ का जो वैक्सीनेशन का प्रोसीजर था वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही हैजल फ्री था और काफी क्विक भी था. ओके, सो प्रोसीजर ऐसा था कि द मोमेंट आई वेंट इनसाइड और मैंने अपना एमिरेट्स आईडी दे दिया एंड आई हैड टू गिव अ फॉर्म फिलअप करके. और फिर उन लोगों ने सबसे पहले मेरा बीपी चेक किया एंड आफ्टर चेकिंग माय बीपी दे आस्क फॉर एनी एलर्जीज या किसी मेडिकेशन का प्रॉब्लम एंड आई सेड नो नथिंग. और फिर उन्होंने मुझे वैक्सीन दे दी एंड दे आस्क मी टू वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स आफ्टर दैट. वेल गिविंग वैक्सीनेशन दे टोल्ड कि आई कांट गेट प्रेग्नेंट इन दिस पीरियड.
बी कॉन्शियस. I said no problem. We already done with that. But yes, on a lighter note, things got very easy. अभी फिलहाल हम लोगों ने एक डोज लिया है और 1 month के बाद हमें second डोज लेना है. So we would highly recommend everyone out there to go for vaccination. It's basically more than being safe. It's a mental state. Once you get vaccinated, it becomes very easy for you to realize by yourself that you are safe. By the time मैं घर पहुंची काफी लेट हो चुका था. It was around 11 AM. So it took us a good time to come back. और आते ही मैंने पहले फटाफट लंच बनाया और फिर हमने लंच किया. थोड़ी देर तक हमने टीवी देखा, फिर सो गए. So now I'll show you the state of the house and don't get shocked. But हाँ, because I just slept, I took an afternoon nap. He is still sleeping. तो अब I have a lot more energy और अब फटाफट मैं घर की सफाई करने वाली. So I'll show you what is the state of the house. तो ये है बाहर के रूम का हालत. ये जो पूरे टॉयज है, दे हैव रियली गॉट अ वेरी बैड हैबिट, पूरा फैला के मैस करके खेलते हैं. सो यहाँ है दिया, शी इज ईटिंग बनाना. ओ बनाना इज ओ दियो, लुक योर बेबी दियो. तो ये है पूरी हालत बाहर के रूम की. और ये लॉन्ड्री जो अभी अभी मैंने बाहर कुछ कपड़े सुखाया, तो अब ये मुझे फोल्ड करने हैं. सो दिस इज द स्टेट ऑफ लिविंग रूम राइट नाउ. कुछ टॉयज बिखरे पड़े हैं एंड नाउ कम्स किचन. तो किचन भी मैं एज आई सेड मैंने आके तुरंत कुकिंग की थी. सो इट्स क्वाइट मेसी, तो ये भी मुझे क्लीन करना है. एंड देर आर लोड्स ऑफ बर्तन. गॉड, कोई आ जाओ मेरे यहाँ पे आज. तो ये है बर्तन करने के लिए आज. लकीली मैंने कपड़े सुखा के रख दिए बाहर. यू नो देयर इज ऑलवेज सो मच ऑफ वर्क टू डू, इवन इफ यू फील दैट वी आर लेजी टूडे, बट फिर भी हमने काफ़ी सारा काम किया हुआ रहता है. एंड हियर इज माई लिटिल मॉन्स्टर स्लीपिंग. तो जब तक ये और थोड़ा सो रहा है, मैं फटाफट बर्तन कर लूंगी, किचन कर लूंगी एंड देन आई विल हेड ओवर टू लिविंग. दिस इज व्हाट आई वांट टू से, यू नो कभी कभी हमें फील होता है कि हम बहुत लेजी हो गए, स्पेशली जब आफ्टरनून को नैप लेके उठते हैं, तो हमें फील होता है दैट ओ गॉड सो लेजी और कितना सारा काम रह गया है. बट व्हाट आई वांट टू से दैट इट्स ओके इफ समटाइम्स यू नो हाउस इज सो मेसी और आप सो गए हो, बिकॉज इट्स फॉर अ सेकेंड आई मे फील दैट यस ये बहुत लेजी है, लेकिन देन आई रियलाइज दैट नो एक्चुअली सुबह से उठ के आई वोक अप क्वाइट अर्ली एंड इनको नहलाना, फटाफट कपड़े पहनाना, नाश्ता करना एंड देन वापस घर पे आना, लंच बनाना, इट्स क्वाइट बिग डील. सो नाउ आई डोंट थिंक दिस वर्क विल टेक मच टाइम, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा. स्पीड क्लीनिंग, आई ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ स्पीड क्लीनिंग. तो स्पीड क्लीनिंग में मैं फटाफट ये बाहर की रूम और किचन कर लूंगी एंड देन अगेन कम्स शाम का खाना. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द किचन इज डन और अब बाकी है द ह्यूज बटन्स. अब मेरे बर्तन भी हो गए हैं एंड आई एम डन विथ माई किचन पार्ट एंड नाउ आई गो टू माई लिविंग रूम. और लिविंग रूम में सबसे पहले मैं इस तरह से एक बॉक्स ले लेती हूँ ताकि कोई भी चीज़ जब हो तो यू नो आई एम नॉट जस्ट रनिंग हियर एंड देयर, उठा के मैं डायरेक्ट रख देती हूँ. सो दिस इज हाउ आई क्लीन स्पीड क्लीन द हाउस. और अब तो हीथ भी मुझे काफ़ी सारी मदद करता है. सो ही क्लीन्स अप हिज ओन मेस एंड ही कीप्स इट इनसाइड, सो दिस ऑल्सो सेव्स माई टाइम. हमने काफ़ी सारी जो पैकिंग है वो ऑलरेडी करके रखी है, यहाँ पे भी आपको दिखेगी. ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो हमने बना के रेडी रखे हैं और भी काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं
जो हम रेडी कर रहे हैं. सो एवरी नाइट यश जो है वो रात को बैठ के थोड़ी थोड़ी पैकिंग करते रहता है, और जैसे जैसे पैकिंग होती है हम उसको बॉक्सेस में डालते हैं. सो मोस्टली फ्रजाइल आइटम्स जो है वो हम खुद पैक करना प्रेफर करते हैं. सो क्रॉकरी है और ये सब जो है वो पहले से पैक करके हम रेडी रखते हैं. At first, you know, I didn't want to purchase this mop. Yash ने मेरे को convince किया, but now I totally love this. और मुझे इससे पोछा लगाना बहुत पसंद आता है. This is my lazy day पोछा. Otherwise, तो मैं अपना वो traditional way से ही पोछा करती हूँ. तो सारी सफाई हो गई है और अब dinner के लिए मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी और भाकरी. तो भाकरी के लिए इतना tight dough होता है. Now it's time to reveal few things. सबसे पहले मैं आपको रिवील करूंगी कि हमने कौन सा डब खरीदा है. सो इन द लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर उसको लिंक कर दूंगी. और मैंने उसमें पूछा था कि हम लोगों ने इसमें से कौन सा घर फाइनलाइज किया है. एंड सो मेनी ऑफ यू हैव गेस्ट इट करेक्ट. और हमने कौन सा घर खरीदा है? So we finalized the first one. Yes. बहुत सारे रीजन थे हमारे लिए कोई भी एक घर शॉर्टलिस्ट करने के लिए. And the reason we chose this house, you know, it was very, very simple for us to decide. The reason being, first of all, हमारे building के main entrance के just सामने, you cross the road, और UAE का सबसे बड़ा जो है Lulu Mall बनने वाला है. And that is going to be a very convenient for us because हम just बाहर निकले and we can do unlimited shopping. Yes. It is going to be though expensive for me क्योंकि ये तो हमेशा वहाँ पे रहेगी. But उसके अलावा. It's not true. But इसके अलावा. सबसे ज़्यादा लुलु जाने का शौक यश को है. I do not prefer shopping. I go for window shopping. But actual shopping यश की होती है. नहीं, but Lulu is basically it's going to be a kind of mall. जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लुलू का सुपरमार्केट नहीं रहेगा, उसके अलावा देयर आर गोइंग टू बी सम रिटेल आउटलेट्स, फेमस ब्रांड्स. तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि शायद से निधि जो है टेम्प्ट हो जाए. नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली जब हमारे पेरेंट्स आएंगे हमारे घर पे रहने के लिए, सो दो दे वोंट गेट बोर्ड. उनके लिए काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे करने के लिए. यस, दैट इज समथिंग आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड. जब भी मेरे मॉम डैड यहाँ पे आते थे, निधि के पेरेंट्स यहाँ पे आते थे, द एरिया वेयर वी स्टे इट इज यू नो मैक्सिमम अरब्स. और यहाँ पे कैसा है कि यू नो व्हेन दे वांटेड टू मूव आउट समवेयर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव एनीवेयर बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एज सच जहाँ पे उन लोग थोड़ा टाइम पास कर सके. इसके अलावा द सेकेंड रीजन वॉज कि बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे इन द सेम ऑन द सेम रोड अराउंड 2-3 क्लिनिक्स है. लाइक आई मीन यू नो बड़े वाले क्लिनिक्स. You consider around 1 kilometer, within a radius of 1 kilometer, there is one biggest hospital. It is called Al Faqih Hospital. Or jahan pe you can have, starting from small things to surgeries, everything you can get it done. Or uske alawa, you have pharmacies, you have unlimited grocery shops, you have a minus chota sa supermarkets. Bikaner ki restaurant hai wahan pe, Aladil hai. There is Bikaner wala, there is Bikaner wala restaurant, there is Aladil. Aladil is basically an Indian store in UAE, which is one of the popular stores जहाँ पे आपको Indian stuff सब कुछ मिल जाएंगे. I mean, you want anything, you get everything there. Yes. So these were few of the parameters. And the best part, let me tell you. The best part was कि वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए जगह बनाई थी उन लोगों ने, which is a very rare thing here in Dubai. Dubai में सब you know flats के अंदर ऐसे दुबई में सब लोग फ्लैट्स के अंदर एकदम से यू नो कैद हो जाते हैं. सो यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए जगह बनाई थी, वो बहुत अच्छी बात लगी हमें. एंड कमिंग टू द मेन पॉइंट, सबसे बड़ी बात, ये तो सब शॉपिंग और ये सब चीजों की बात होगी जो आजू बाजू में है, बट द प्राइम मोटिव फॉर अस टू डिसाइड दिस हाउस वॉज जस्ट दैट कि ये स्कूल के नजदीक होना चाहिए. सो दिस हाउस वॉज इज बेसिकली इन अ रेडियस ऑफ अराउंड 800 meters. 800 मीटर्स के डिफरेंस पे वॉकेबल डिस्टेंस पे स्कूल है. एंड उसके अलावा
द चेरी ऑन द केक विच वी डिसाइडेड टू चोज वॉज द बालकनी. द बेस्ट पार्ट, दिस इज द बेस्ट पार्ट, एक्चुअल बेस्ट पार्ट, जहाँ पे बालकनी इतनी बड़ी हो, इट इज अराउंड 6.5 मीटर टू 3.5 मीटर. And it's a very huge balcony. I don't know how I'm going to use that. Yeah, you can actually convert this area into a greenhouse type of area where you can plant whatever you want. So other than that, we can have जो हर किसी की जो पसंद होती है कि we want to have a peaceful time in the balcony. Yes, की chair हो. Yes, की इच्छा की काफी time से. So we want to have a table and two chairs where we both can share the table. Obviously, a kind of candlelight is early, also okay for early us. Early in the morning, breakfast in the balcony. Breakfast in the balcony. So these were few things which made us decide rigorously that we should go with this house. और अब बात करते हैं कोविड की. तो हम लोगों ने आज वैक्सीनेशन लिया है एंड द मोमेंट आई पुट इट ऑन इंस्टा सो मेनी ऑफ देम वर आस्किंग मी कि हम लोगों ने कौन सा कोविड कौन सा वैक्सीनेशन लिया है. सो उसके ऊपर भी यहाँ पे सिर्फ दो ही वैक्सीनेशन है एक्चुअली पूरे यूएई में. और हमने पी फाइजर वाला जो वैक्सीनेशन है वो लिया है. सो पी फाइजर इज बेसिकली वैक्सीनेशन फ्रॉम यूएसए. और उसके अलावा जो सेकेंड वैक्सीनेशन है दैट इज फ्रॉम चाइना. और इनिशियली व्हेन दिस वैक्सीनेशन गॉट स्टार्टेड तो अबू धाबी स्टार्टेड दिस वैक्सीनेशन ट्रायल्स विद चाइना वैक्सीनेशन. ऑब्वियसली इट हैज गॉट अराउंड 87% ऑफ एफिशिएंसी सक्सेस रेट्स आई मस्ट से. बट यूएस की जो सक्सेस रेट है वो भी तकरीबन इसके सिमिलर या इससे ज्यादा ही है. सो दुबई चोज टू गो विद द यूएस वैक्सीनेशन, अबू धाबी चोज टू गो विद द China vaccination, and there is also another vaccination which is going to be coming by next month. Not sure yet, but it might come from Russia. So, if but we everything, say, every this vaccinations are safe, तो ऐसा कोई problem नहीं. आज पूरा दिन हुआ हमें, but कोई भी symptoms नहीं थे, no nothing, मतलब pain भी नहीं था, कुछ नहीं था. So ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कोई वैक्सीनेशन वगैरह कुछ लिया है. So it was basically like a normal day for us. Yes, completely safe. हाँ, हम लोग सुबह गए, we got ourselves vaccinated. The whole day we had our normal works. And that's it. I mean, we are sitting today, right now in the evening and we are discussing with you. हाँ, मैंने तो अपना पूरा काम भी शेयर किया आप लोगों के साथ. सर, ऐसा कुछ नहीं था, completely safe था और बहुत जरूरी है इसे. अभी फिलहाल voluntary चल रहा है तो everyone can go, they can take the appointment और करवा सकते हैं. So I hope आज का जो वीडियो था वो आप लोगों को देखने में मजा आया होगा, यश के साथ बातचीत करने में मजा आई होगी. गाइस कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको यश के साथ और वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज ही वॉन्ट्स अ लिटिल बिट ऑफ पुश अप फ्रॉम यू गाइस नाउ. See, I'm basically a camera shy person, to be very frank. I don't intend to come by any chance on the camera, and that is the fact of the situation. This is just for my love. Today I just came home, I changed my clothes and she asked me ki nahi abhi video nikalna hai and I want you to be in the video. Yeah, actually because aaj ki jo baatein thi wo main akele hi nahi bolna chahti thi, mujhe tha ki Yash ko bhi equally ye sari cheeze share karni chahiye and he agreed. And for sure you guys are going to have fun when you see our new house. We're so excited for it. बहुत ऐसा लगता है कि अभी तुरंत जाके हम शिफ्ट हो जाए, इसलिए हमने काफी सारी पैकिंग बहुत जल्दी से स्टार्ट कर. तो अब हम आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स दिखाने वाले हैं आगे. ऑब्वियसली हमारी जो शिफ्टिंग है, पैकिंग है, उन सबसे सो रिलेटेड हम बताने ही वाले हैं आपको, और भी काफी सारी चीजें आने वाली है. सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे. So now I'll see you in the next one. Till then, bye. See you soon.